शुक्ला चैंजू बेटा सामने जाके बना के लाएंगे। ये लोग कहाँ से बोल कर रहे सामने का बोल रहा तो देखा आपने ये मजबूर है बाकी सब नहीं। पुण्य का पेड़ बना तो बहुत ही पुण्य का काम होता है मगर यहाँ पे पुण्य करना ही नहीं चाहता। ये भूखा डर के बीच में हो रहा है ना रख के आ जाए इसको। अगर किसी ने भी इसकी भूख मिटाने की कोशिश तक ना अरे ये बीच में झगड़ा किसने देख दिया। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक ले सावधान रहें सतर्क रहें। जय हिंद। इस उम्र में पूरे दिन भगवान महसूस करता रहता हूँ। खैर वो तो है मगर आज क्या दिन है? आज स्वच्छता दिवस है। अरे हमारे यहाँ तो हर रोज ही होता है उसमें क्या नहीं बात है। खैर वो तो है मगर जो आज होगा वो देखेगा तो देखते अरे आज तो स्वच्छता दिवस है। अब मैं ऐसा क्या पोस्ट करूं जिससे मेरे फॉलोअर्स को लगे कि मैं बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट हूं? ट्रेन ट्रेन शुक्ला मतलब क्या मैं सारे कमेंट में ले सकती हूं?
अरे रुकिए जनाब, अभी आगे तो देखिए होता है क्या। ट्रेन ट्रेन। हेलो, हाँ थैंक्स यार, हाँ मैंने किया है और मुझे कुछ लोग मिल गए तो मैंने सोचा उनकी मदद करूं। मैंने उनको चाय और पकौड़े भी दिलवाए। हाँ, और मैं कुछ मिक्स जिससे सारे लोग इंस्पायर होंगे। देखा जनाब, यहाँ हुआ क्या, यहाँ हुआ कुछ और, इस लड़की ने बोला कुछ और। यहाँ ऐसा ही होता है, मेहनत किसी की और फल किसी और का। हाँ जी अंकल, सही कहा आपने, आज हर कोई अपनी ऐसी ही तस्वीर खींचेगा और देखने वाला यही कहेगा वाह क्या बात है। पर वाकई में जो इस जगह को क्लीन रखने की मेहनत करते हैं उनकी कोई लिहाज नहीं। और क्या सिर्फ एक दिन से देश स्वच्छ हो जाएगा? देश तभी स्वच्छ होगा जब स्वच्छता को हर कोई अपना कर्तव्य समझेगा और निभाएगा भी, ना सिर्फ एक दिन बल्कि प्रतिदिन। और हाँ, इन लोगों को चाय पानी और खाने को देने से आप इनकी मदद नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ इनकी सेवा कर रहे हैं। अगर आप सच में इनकी मदद करना चाहते हैं तो इन लोगों की भी सभी से यही निवेदन है कि कृपया अपने आसपास की जगहों को साफ रखें। जरूरी नहीं आप ही सड़कों और गलियों की साफ सफाई करें, पर इतना तो कर ही सकते हैं ना कि हम कचरे को उसकी सही जगह पर डालें जो कि कचरे की पेटी है, ना कि ऐसे सड़कों पर। हमें नीचे से ऊपर की ओर जाना है भैया, अब आप ही बताइए।